हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्लास 7 सब्जेक्ट SS में हम नागरिक शास्त्र पढ़ रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट हम कर रहे हैं समानता। कल हमने पढ़ा था कि कानून के समक्ष समानता है, वयस्क मताधिकार है, सभी को वोट डालने का अधिकार है, लेकिन अन्य प्रकार की असमानताएं भी बताई थी कि सबको वोट देने का अधिकार तो प्राप्त है, लेकिन निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अन्य असमानताओं का सामना भी करना पड़ता है। से हम जो प्रचलित असमानताओं में एक जातिगत व्यवस्था है, ग्रामीण जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनकी जातिगत पहचान का अनुभव उन्हें शायद छोटी ही उम्र में हो जाता है। जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं वो शायद इस बात पर विचार कर सकते हैं, उन्हें विश्वास नहीं कर सकते जाति पाति में। एक कहानी जैसे इसमें बताई गई है कि स्कूल जाने वाले एक दलित बच्चे के अनुभव के विषय में बताया गया है कि दलित एक ऐसा शब्द है जो निचली कही जाने वाली जाति के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। दलित का क्या अर्थ होता है? कुचला हुआ या टूटा हुआ। इस शब्द का इस्तेमाल करके दलित यह संकेत करता है कि पहले भी उसके साथ बहुत भेदभाव होता था और आज भी बहुत भेदभाव होता है। एक लेखक हैं, दलित हैं, उनका नाम ओम प्रकाश वाल्मीकि है। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि झूठन उस कथा का नाम है, कक्षा में मुझे दूसरों से अलग बैठना पड़ता था और वह भी फर्श पर, क्योंकि बैठने की टाट पट्टी पर जगह नहीं होती थी। कभी कभी मुझसे पीछे दूरी पर बैठना पड़ता था, बिल्कुल दरवाजे के पास। कभी कभी बिना किसी कारण के वे मुझे मारा पिटा भी करते थे जब वे चौथी कक्षा में पढ़ते थे, तो प्रधानाध्यापक ने उन्हें स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगाने को कहा। लिखते हैं कि मुझ जैसे छोटे एवं कमजोर शरीर वाले की तुलना में मैदान बहुत बड़ा था। उसकी सफाई करने से मेरी पीठ दर्द होने लगी, मेरा चेहरा धूल से भर गया और धूल मेरे मुंह के अंदर चली जाती थी। मेरी कक्षा के दूसरे बच्चे जो पढ़ रहे थे झाड़ू लगा रहा था। प्रधानाध्यापक ने कमरे से मुझे देख रहे थे और मुझे एक बार भी पानी पीने की अनुमति नहीं दी। स्कूल के कमरों के दरवाजे और खिड़कियों से शिक्षक सभी लोग यह तमाशा देख रहे थे, तो ओम प्रकाश से अगले 2 दिनों तक खेल के मैदान में झाड़ू लगवाई गई। यह काम जब रुका, जब उधर से गुजरते हुए उसके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते हुए देखा और उसके शिक्षकों का सामना जो साहसपूर्वक किया, कहा कि तुम एक शिक्षक हो इसीलिए अभी मैं जा रहा हूँ, लेकिन मास्टर इतना याद रखना कि यह यहाँ पढ़ेगा इसी स्कूल में, और ये अकेला यही नहीं, इसके बाद भी बहुत सारे लोग यहाँ पर पढ़ने आएंगे। तो दूसरी कहानी भारत के एक बड़े शहर में घटी घटना पर आधारित है। देश के बाकी शहरों में ऐसी घटनाएँ एक आम बात है। मकान ढूंढने में मदद लेने के लिए एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। डीलर ने बताया कि कई खाली मकानों के बारे में जानता है जो किराए पर मिल सकते हैं। पहला मकान देखने गए अंसारी दंपत्ति को मकान बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मकान लेने का निर्णय किया। फिर जब मकान मालकिन ने उनके नाम सुने तो बहाने बनाने लगी कि ये मांसाहारी लोगों को मकान नहीं दे सकती, क्योंकि उसमें बिल्डिंग में कोई मांसाहारी निवास नहीं करता। पर प्रॉपर्टी डीलर और अंसारी दंपति दोनों ही सुनकर आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि पड़ोस में मछली पकाने की गंध आ रही थी। तो इस प्रकार जो उनके साथ वाले भी 2 लोग मकान पसंद आ गए, लेकिन वहाँ भी वह बहाना बनाकर उन्हें मना कर दिया। तो इस प्रकार डीलर ने उनको सुझाव दिया कि अपना नाम बदलकर श्रीमती कुमार रखना चाहिए। तो अंसारी दंपति ऐसा करने के इच्छुक नहीं थे, इसीलिए उन्होंने मकान देखने का निश्चय किया। अंत में लगभग 1 महीने के बाद मकान ढूंढने के बाद उन्हें एक मकान मालकिन मिली जो उन्हें किराए पर मकान देने के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार हमें यहाँ से इस 2 कहानियों से पता चलता है कि केवल संविधान में तो हमें या कानून के समक्ष तो समानता है, लेकिन सामाजिक तौर पर हमें समानता प्राप्त नहीं है। समाज में छोटी जाति भेदभाव, दलित लोगों के साथ भेदभाव, ये सब होता ही रहता है। मानवीय गरिमा का मूल्य। इस कहानी से पता चल जाता है कि
कि प्राय इसलिए असमानता का व्यवहार किया जाता है ताकि वो, क्योंकि वो छोटी जाति के हैं। असमानता का व्यवहार किसी के सम्मान को ठेस भी पहुंचाता है। जैसे इन दोनों अंसारी दंपति है, ओम प्रकाश वाल्मीकि है, इनकी गरिमा को, महिमा को ठेस पहुंची, तो इस प्रकार से ये ऐसा व्यवहार जो है गलत है। तो क्योंकि जो ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता थे उन्होंने देखा इस प्रकार से, तो शिक्षकों के सामने विरोध भी प्रकट किया, तो दंपत्ति ने भी अपना मकान किराए पर लेने से इनकार कर दिया, तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है इस प्रकार से। तो क्या ऐसा व्यवहार करना लोगों के साथ उचित है? क्या उन्हें सम्मान और गरिमा नहीं मिलनी चाहिए? तो इस प्रकार से यहाँ पर मानवीय गरिमा का मूल्य जो है होता है, मतलब मानवीय गरिमा को ठेस पहुंचती है। धन्यवाद बच्चों, आपको ये चैप्टर अच्छे से रीड करना है।